दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये जो चूना है ना, ये कई काम में आता है। मैंने इसका बहुत इस्तेमाल किया है, 70 बीमारियां ठीक कर देता है ये अकेला चूना। जैसे एक बहुत खराब बीमारी है जॉन्डिस हेपेटाइटिस, वो चूने से ठीक हो जाती है, पी लिया जिसको हम गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में पिलाते रहो, पी लिया सबसे जल्दी ठीक होता है। लीवर में सूजन आ जाए किसी को, सबसे जल्दी ठीक होती है चूने से। शराब पी पी के जिन्होंने अपने लीवर खराब कर लिया है, उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। बहुत ज्यादा दारू पी पी के जो लोगों ने अपने लीवर खराब किए, लीवर सिरोसिस हो गया, उनको आप बोलो चूना खाए। रोज गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर, गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ के पानी में मिला के पी, गुड़ है पानी में मिलाए और उसमें चूना मिला के पी, मात्रा उतनी ही लेनी गेहूं के दाने के बराबर हर दिन। ये चूना उन सब बच्चों के लिए बहुत अच्छी दवा है जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती। सब बच्चों को चूना खिलाओ, पर लंबाई बढ़ाने के लिए इसको खिलाना कम से कम साल भर। मात्रा उतनी ही गेहूं के दाने के बराबर दही में खिला दो, नहीं तो गन्ने के रस में, नहीं तो दाल में, नहीं तो सादा पानी में मिला के खिला दो। ये चूना उन सब बच्चों की दवा है जिनकी बुद्धि कम काम करती है। जो दिमाग से थोड़े से कमजोर बच्चे होते हैं ना, जिनको मतिमंद बच्चे कहते हैं, देर में सुनते हैं, देर में समझते हैं, देर में सब काम उनके देर से होते हैं, देर में पैदल चलते हैं, ऐसे बच्चों को चूना खिलाओ, बहुत जल्दी फायदा होगा। और इन सब बच्चों को 2-3 साल खिलाना चूना। और चूना बहुत अच्छी दवा है उन सब के लिए जो बहुत कमजोर है, एकदम हड्डी हड्डी दिखाई देती है, ऐसे बच्चे उनकी सबसे अच्छी दवा है ये चूना। और ये चूना बहुत अच्छी दवा है, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा दांत का दर्द, दांत में दर्द होता है चूना खाओ तुरंत ठीक होगा, दांत में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना बहुत अच्छी दवा है। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर रोज पिला दो, खून बहुत बढ़ता है। माताएं इसको याद रखें, अपने घर में कोई भी गर्भवती माँ या बहन है उसको जरूर खिलाओ आप ये रोज चूना खिलाओ अनार के रस। गर्भवती मां को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कैल्शियम की और आयरन की। अनार के रस में आयरन बहुत है और चूने में कैल्शियम बहुत है, तो अनार के रस में अगर चूना मिला के किसी भी गर्भवती मां को 9 महीने आप दे दे तो बच्चे के जन्म के समय मां को प्यार होते हैं जिनकी मां ने चूना खाया गर्भावस्था, बहुत ब्रिलियंट होते हैं दिमाग से, बहुत तेज बच्चे। मेरा तो ये संदेश आप 40 करोड़ माताओं तक पहुंचा दो, बस इतना कर दो कि वो रोज चूना खाएं गर्भावस्था के समय में गेहूं के दाने के बराबर और अनार के रस में। और कोई मां ऐसी भी है जो बहुत गरीब है, अनार के रस नहीं ले सकती, तो उसको कहो गुड़ के पानी में ही चूना पीती है, गुड़ तो सस्ता है, गरीब से गरीब आदमी के घर मिल जाता है, तो गुड़ का पानी बनाए और उसमें चूना पीते रहे पूरे 9 महीने, तो मां एकदम स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगी, बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा और बच्चा बहुत ही होशियार बनेगा, बहुत ब्रिलियंट, बहुत इंटेलिजेंट। ये जो चूना है ना, ये दिमाग की भी और शरीर की भी दोनों की ग्रोथ कराता है, मन मस्तिष्क सबका इससे बढ़त हो। चूना खा सकते हैं जब नाखून की बीमारियां होती, नाखून सड़ जाते हैं, काले काले हो जाते हैं, तो चूना खा लो बिल्कुल ठीक हो जाता है। घुटने का दर्द है ना, चूने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। गठिया, गठिया की मैंने 2 दवाएं तो पहले बताई, अब एक बता रहा, चूना खाते रहो गठिया का सब रोग ठीक होगा, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, जोड़ों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होगा। कई बार ये खतरनाक दर्द आता है स्पॉन्डिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, वो चूने से ही ठीक हो जाता है स्पॉन्डिलाइटिस।
इतना ही खाना रहता है, मन के में गैप पड़ जाता है। और उसकी कोई दवा नहीं, दुनिया में एक ही दवा है, चूना। खाते रहो, गैप कम हो जाए। हड्डी टूट गई तो चूना खा लो, बहुत जल्दी जोड़ेगी और मजबूत जोड़ेगी। पान के साथ खा सकते हैं, बस उसमें कत्था नहीं लगा सकते। चूना और कत्थे की दुश्मनी है। खाली चूना लगाते तो पान खा सकते हैं, कत्था लगाते ही वो गड़बड़ हो जाता है। ये जो कत्था है ना, चूने का असर खत्म कर देता है। कत्था जहर है, इससे कैंसर होता है, मत खाया करो। पान खाओ खाली चूने का, कत्था मत लो। और माता इसको और ध्यान से सुने कि अपने घर में कोई भी माँ, कोई भी बहन को मासिक धर्म की जितनी तकलीफें हैं, उसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। जैसे मासिक धर्म समय से नहीं आता, देर में होता है, खून बहुत ज्यादा निकलता है या खून बिल्कुल नहीं निकलता, कभी 2 महीने में हुआ, कभी 4 महीने में हुआ, कभी 15 दिन नहीं हो गया, ऐसी सब तकलीफों में चूना खाओ आप, बहुत अच्छी दवा। और घर में जितनी माताएं 50 वर्ष की हो गई, उनको जरूर खिलाओ चूना, क्योंकि ये 50 वर्ष की जो माताएं हैं ना, सबका मासिक धर्म बंद हो जाता है, तब उस समय बहुत तकलीफें आती हैं उनको, वो चूना बिल्कुल ठीक कर देता है हर एक तकलीफ को। माताओं की तो ये खास दवा है चूना। माताओं को अक्सर एक बीमारी होती है, ऑस्टियोपोरोसिस, इसकी सबसे अच्छी दवा ये चूना है। इतने बार देना है? एक ही बार, सवेरे खाली पेट। और देखो, जिनके चेहरे में मुहासे निकलते हैं, फोड़े फुंसी बहुत निकलते हैं, उनकी ये बहुत अच्छी दवा है चूना। चेहरा एकदम साफ होता है अगर चूना खाओ। पानी के साथ देना? पानी से भी दे सकते, पानी में चूना घोड़ी के पिला दो। गैस के लिए तो अभी बताऊंगा। ये जो चूना है, ये जो है ना, चेहरे को साफ करेगा। अगर आपके त्वचा में कोई रोग है, जैसे सोराइसिस, इचियोसिस, एक्जिमा, चूना इनको भी ठीक करता है, त्वचा रोग को। उसको गन्ने के रस के साथ लेना है? उसको गन्ने के रस में तो लेना सबसे अच्छा। गन्ने का रस ना मिले तो गुड़ का पानी उसमें ले लो, वो भी ना मिले तो खाली पानी में ले लो, नहीं तो दही में ले सकते हैं, दाल में खा सकते हैं, दूध छोड़कर किसी में भी चूना मिला के खा सकते हैं, दूध में नहीं ले सकते। ये एक चूना याद रखो 70 बीमारियां ठीक करता है, इसलिए मैं सबको कहता हूं चूना खाओ, चूना लगाओ मत कभी किसी में। आजकल लोग एक दूसरे को चूना बहुत लगाते हैं, और कुछ तो ऐसे महान लोग हैं वो देश को भी चूना लगा। ये लगाने की चीज नहीं, खाने की चीज। और परमपिता परमात्मा ने भारत पे बहुत कृपा की है, ये चूना सबसे ज्यादा भारत में ही है। ये वही चूना है जो पान वाले सब लगाते हैं, पत्थर से बनता है, चूने का पत्थर आता है, आप उसको पानी में डाल दो। ना तंबाकू तो जहर है भाई, ना बिल्कुल। चूना खाइए तंबाकू के साथ नहीं, नहीं पैकेट में आता है, लेकिन वो तंबाकू मिला हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध रहे। भले वो पैकेट में आता है, गीला चूना बेचते हैं पैकेट में आजकल, आप वो ले लो, तंबाकू नहीं खा सकते चूने के साथ, तो फिर चूना जहर हो जाता है। चूने की 2 चीजों से जबरदस्त दुश्मनी है, एक कत्था, एक तंबाकू। और दुर्भाग्य से लोग इसी के साथ खाते हैं। ये जो चूना अगर आप तंबाकू के साथ खाओ ना, तो यही चूना कैंसर कर देता है। और यही चूना सुपारी के साथ कत्था मिला के खाओ तो पथरी बना देता है। ये बहुत अमृत है चूना, लेकिन जिनके साथ ये मेल खाता है उन्हीं से अमृत है। जिनसे इसकी दुश्मनी है चूने की, उनके साथ खा लिया तो मार डालेगा। इसलिए सावधानी रखनी है चूना खाने में। एक तो इसको सुपारी और कत्थे के साथ नहीं खाना, तंबाकू के साथ नहीं खाना। और एक दूसरा, जिनको पथरी हो गई है वो ना खाए इसे, जब पथरी ठीक हो जाए फिर। दोस्तों, सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक, कमेंट और शेयर करें। और हाँ, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।